और यहाँ पर बहुत मान्यता है, बहुत बहुत दूर से लोग बाग आते हैं, खास करके फोर्ट ना घूमकर यहाँ माता के दर्शन करने के लिए। पर कोई भी सैनिक या फिर दुश्मन यहाँ छिप जाता है तो यहाँ ऊपर से गर्म तेल डाल देते थे ताकि वो इधर आ जाए। और ये सामने एक तालाब भी है, ऐसे आपको कुंड, ये तालाब बहुत सारे मिल जाएंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर। यहाँ से अब हमें कालिका माता जी का जो मंदिर है इसके बगल में ही, उसके दर्शन करने हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ कालिका माता मंदिर के सामने, और चित्तौड़गढ़ किले में ही है। और अब चलते हैं अपन दर्शन करने के लिए कालिका माता मंदिर के। ये है श्री कालिका माता मंदिर, और आपको नज़र आ रहा होगा कालिका माता की जय। जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करोगे तो मंदिर में एंटर करने के बाद आपको ये एक बरगद का वृक्ष मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही पुराना है काफ़ी। और हाथ तो क्या इस साइड आपको हाथ वगैरह धुलने के लिए, अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं, हाथ धुलना चाहते हैं। और इस मंदिर की मान्यता बहुत ही पुरानी है। अगर आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट विज़िट कर रहे हो तो इस मंदिर को अब आप अवश्य विज़िट करें, और इसे विज़िट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अंदर कालिका माता जी विराजमान है, अंदर दर्शन करते हैं। यहाँ आपको बंदर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जो कि अनाज वगैरह जो होता है यहाँ पर, जो ग्रामीण लोग लेके आते हैं वो खाते हुए मिल जाएंगे। भगवान पे चढ़ाते हैं, हाँ, जो भगवान पे, जो कालिका माता पे चढ़ाते हैं। और ये परिक्रमा वाली एरिया है ना, आस पड़ोस परिक्रमा लगाते हैं। पूरा कालिका माता जी का मंदिर, और मंदिर के दर्शन कर लिए, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। और यहाँ पर बहुत मान्यता है, बहुत बहुत दूर से लोग बाग आते हैं, खास करके फोर्ट ना घूमकर यहाँ माता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर आपको जो मुर्गे वगैरह हैं वो बहुत देखने को मिल जाएंगे, बंदर देखने को मिल जाएंगे, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहिए, बहुत अद्भुत जगह है। तो फाइनली लास्ट में जो पीछे किस एरिया में चित्तौड़गढ़ का जो किले का जो पोल है, मैं उस जगह आ चुका हूँ। इस पोल का नाम है, इस द्वार का नाम है सूरज पोल। और सूरज पोल क्यों पड़ा और इसका महत्व क्या है, उसकी भी एक प्रॉपर वजह है। पीछे सूरजपुर गांव है, और यहाँ से सूरज जो सुबह उदय होता है वो सन राइज दिखता है यहाँ से। और व्यू देखिए आप यार, एक नंबर। लेकिन ये जनरली इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे सुबह सनराइज़ होता है, और पीछे सूरजपुर गांव भी है। और आज भी, अरे भाई भाई देख के रहना, वो सामने देखो, हाँ वो कुंभकर्ण सो रहा है। कहाँ है भाई ये देखो, इस पहाड़ को ध्यान से देखो, उसका पेट दिख रहा है, उसका ये चेहरा है, फिर पेट है। ये गाइड यहाँ के मिसगाइड करते हैं और कुछ नहीं है, हम भी गाइड है, मिसगाइड कर रहे हैं आपको, अब हो जाओ। और अच्छा, अक्सर वो गाइड ये भी कहते हैं ये काले काले पेड़ है, ये सैनिक खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं युद्ध में।
ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, अरे बनाते हैं यहाँ के गाइड पागल हैं, क्या जरिया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई इस प्रकार के अंधविश्वासों में ना पड़े, प्रॉपर हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से बताएं, तोड़ मरोड़ के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, कुंभकरण पहाड़ी है वो, पीछे सैनिक खड़े हुए भाई अपने हथियार वगैरह लेकर और अभी चढ़ाई करने वाले हैं। इसी सूरजपुर के नाम पे गांव का नाम पड़ा है, सूरजपुर। अच्छा अच्छा, आज भी यहाँ से जो बंदे आते हैं ना गांव के जो हैं वो इधर से होके किले पे आते हैं। और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे काफ़ी सारे पोल हैं, मतलब द्वार हैं, उनमें से ये पीछे वाले द्वार भी काउंट किए जाते हैं, जिनमें सूरज पोल और नीचे के ये पीछे के द्वार हैं, ये भी सारे इसी में काउंटेड हैं, कुछ अंदर भी हैं। और ये एरिया बहुत ही खूबसूरत, हरा भरा मेवाड़ का एरिया, अद्भुत भाई। जनरली क्या होता था कि पहले जब हम दिल्ली साइड से आते थे तो जनरली क्या करते थे, पुराने जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो चढ़ाई करते थे, अटैक करते थे, तो महल के पीछे वाले दरवाजे से ज़्यादा करते थे। तो यहाँ पर पीछे वाले आगे वाले दरवाजे पे तो बहुत सारे सैनिक होते तैनात होते थे, मगर पीछे वाले दरवाजे पे बहुत हाई सिक्योरिटी देखने को मिलेगी आपको। जैसे कि आपको ये सामने नज़र आ रहा होगा, ये एक रैंप साइड सी है, अगर यहाँ पर कोई भी सैनिक या फिर दुश्मन यहाँ छिप जाता है तो यहाँ ऊपर से गर्म तेल डाल देते थे ताकि वो इधर आ जाए। और आपको ये छोटे छोटे छेद नज़र आएंगे, इसमें से जब वो इधर आएगा या फिर भाला की, अरे भाई, या फिर भाला से या फिर तीर से उसको शूट कर देते थे ताकि वो ख़त्म हो जाए। और एक ये घोड़ा ऐसा लगता है उसी जमाने का, प्रॉपर बंदूक बंदूक भी, ये शायद फोटोग्राफी के लिए है ना। अरे वाह जनाब, ये था सूरज को। अब हम चलते हैं कीर्ति स्तंभ की तरफ, जो कि चित्तौड़गढ़ में ही, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में ही राइट साइड की तरफ बना हुआ है ना। चलो फिर चलते हैं। कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ जो मेन द्वार है उसके पीछे बना हुआ है। और इसका अगर इतिहास की बात करूं तो इसमें जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनको ये स्तंभ समर्पित है उन्हीं। और जनरली कीर्ति स्तंभ तब बनाते हैं जब हम किसी की विक्ट्री को जब दर्शाना चाहते हैं, उसकी प्रतिभा को या फिर उसकी महानता को दिखाते हैं, उसके वीरता को दिखाते हैं, जनरली तब बनाते हैं विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। ये है अपना श्री होटल ताज, जहाँ ठहरा हुआ था, जहाँ रितेश भाई ने होस्ट किया था। ये भाई रितेश भाई जो कि मिलने आ गए वापस।